सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। अंग्रेजों से माफी मांगने का रिकॉर्ड बना देने वाले माफी वीर सावरकर को पीएम मोदी वीर सावरकर कहते हैं, महापुरुष बताते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। खैर, इससे किसे आपत्ति होगी, ये उनकी श्रद्धा का मामला है, उनकी मान्यता का मामला है। हिंदू राष्ट्र की थ्योरी बनाने वाले सावरकर को बीजेपी आरएसएस के लोग आइकॉन मानते हैं और महान बताते हैं। इससे भी भले हमें आपत्ति होगी, मगर ये भी उनकी आस्था का मामला है, राजनैतिक विचारधारा का मामला है। जातिवादी और महिला विरोधी मनुस्मृति को महान बताने वाले सावरकर को जातिवादी लोग दार्शनिक बताते हैं, गुणगान करते हैं। इससे सभी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव का मामला है, दलितों पिछड़ों महिलाओं से घृणा का मामला है। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार को जायज ठहराकर मौका बताने वाले सावरकर को मर्दवादी मानसिकता के लोग देशभक्त बताते हैं। हम सबको इससे आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये नफरत का मामला है, अत्याचार का मामला है। दलितों पिछड़ों महिलाओं और मुसलमानों को बराबर दर्जे का इंसान समझने वाले लोग सावरकर को आतंकवादी बताते हैं। हमें इससे सहमति होनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान सम्मत सेकुलर और सोशलिस्ट विचार का मामला है। नमस्कार, मैं समर राज, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। कोई भी नेता किसी भी व्यक्तित्व की पूजा करे, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए, मगर जब देश के सबसे जिम्मेदार पद पर बैठा नेता देश के संविधान के खिलाफ विचार देने वाले किसी व्यक्ति को न सिर्फ याद करे बल्कि वीर बताए, महान बताए, तब कुछ सवाल जरूर होने चाहिए। जैसे पीएम मोदी से ये सवाल जरूर होना चाहिए कि आप उस सावरकर को महान क्यों मानते हैं जो दलितों पिछड़ों और महिलाओं को गुलाम बनाने वाले ग्रंथ मनुस्मृति का गुणगान करता है। सावरकर समग्र के खंड चार में जिसका लिखा मिलता है, मनुस्मृति ही वो ग्रंथ है जो वेदों के बाद हिंदू धर्म का सही दर्शन देता है, जो मानता है कि जातिवादी और लैंगिक भेदभाव वाला यह ग्रंथ देश का मार्गदर्शन करता है। साथ ही पीएम मोदी से पूछे जाने चाहिए ये भी सवाल कि आप उस सावरकर को देशभक्त क्यों मानते हैं जो मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार को जायज ठहराता है, जो उनका बलात्कार ना करें उसे कायर ठहराता है, जो अपनी किताब सिक्स ग्लोरियस स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखता है अगर मौका मिले और आप ना करो तो ये कोई नैतिकता और वीरता नहीं बल्कि कायरता है। वैसे पीएम मोदी को जवाब तो इस बात पर भी देना चाहिए कि इतने खूबसूरत संविधान के बावजूद हिंदू राष्ट्र की थ्योरी देने वाला व्यक्ति महान क्यों है, और एक जवाब ये भी देना चाहिए कि धर्म ग्रंथों के आधार पर राष्ट्र चलाने की थ्योरी गढ़ने वाला अगर सही है तो हमारा सेकुलर संविधान क्यों है। हमें पता है और आपको भी पता होगा कि इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। इसका जवाब छुपा है उस सन्नाटे में जिसके शोर से देश बहरा होता जा रहा है। इसका जवाब छुपा है सांप्रदायिक नारों में जिनके शोर से देश सहमा जा रहा है, और इसका जवाब छुपा है संस्थाओं के भगवाकरण में जिनकी वजह से स्तर हर रोज गिरता जा रहा है।